बदलते, इंसान वही जो तकदीर बदलते। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो शख्सियत में। तो जैसा कि जानते हैं आप, शख्सियत में हमारे साथ अलग अलग दिग्गज शामिल हुए और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी हृदेश कुमार, जो वर्तमान में डीसीपी पूर्वी का कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं हृदेश कुमार स्टेट सर्विस से पुलिस सेवा में आया और वर्ष 1991 का मेरा 91 का डिप्टी एसपी का बैच था, जिसमें मैं डिप्टी एसपी इस विभाग में प्रवेश किया। उसके उपरांत वर्ष 2020 में आईपीएस में इंडक्शन होने के उपरांत मैं लखनऊ ग्रामीण जनपद में एज एसपी कार्यरत रहा और लखनऊ ग्रामीण जनपद के पुलिस कमिश्नर लखनऊ में सम्मिलित हो जाने के बाद यहाँ पर डीसीपी पूर्वी के रूप में कार्यरत। आप आईपीएस अधिकारी हैं, डीसीपी का कार्यभार संभाल रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, भारतीय समाज अत्यंत जटिल समाज है, इसकी आवश्यकताएं, पुलिस से अपेक्षाएं, वो भी उसी के अनुपात में जटिल हैं। डीसीपी के रूप में लखनऊ में कार्य करने में कुछ ऐसी नई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, क्योंकि पहले मेरी जितनी तैनाती पुलिस में रही है वो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में रही। अब यहाँ पर लखनऊ में, वो भी गोमती नगर जैसा क्षेत्र जिस पूर्वी जोन में सम्मिलित है, उस क्षेत्र की जिम्मेदारी ग्रहण करने के उपरांत विशेष रूप से जो शहरी अपराध है तथा लाइन डाइडर की जो सिचुएशंस है, उनको देखने, उनको डील करने, उनको समझने की आवश्यकता होती है और उसको किस तरह से हम फेस कर पाते हैं, उस सब एक टीम भावना के रूप में हम लोग कितना सक्सेसफुल होते हैं, उसी पर हमारी दृष्टि रहती है। जी, आप आईपीएस अधिकारी हैं, कब आपने सोचा कि आईपीएस बनना चाहिए, क्या चीज़ ऐसी आपको प्रेरित कर रही थी? देखिए, इसका एक लंबा इतिहास है। मैं प्रथमतः मैंने बैंक में सर्विस की शुरुआत की, उसके उपरांत मैं केंद्र सरकार की सेवा में आया, इसके उपरांत मैं पीसीएस के माध्यम से ही शीर्षस्थ अफसर के पद पर नियुक्त हुआ, उसके बाद डिप्टी एसपी मेरा चयन हुआ। तो यद्यपि सुविधाओं के दृष्टि से कहिए या कार्य के जोखिम की दृष्टि से कहिए, डिप्टी एसपी की अपेक्षा लोग शीर्षस्थ अफसर को प्रिफर करते हैं, लेकिन एक जन सेवा का जो भाव था मेरे अंदर, मैंने ये पाया कि मैं कहीं ना कहीं पुलिस की सेवा के अधिक उपयुक्त हूँ बजाय एक शीर्षस्थ ऑफिसर के रूप में, एक सुरक्षित फील्ड में रह के काम करने के स्थान पर। तो उस चीज़ को देखा मैंने और मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मुझे ये ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने ड्यूटी ज्वाइन की और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज मैं इस सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे जो कार्य करने को मिला है, न केवल अपराध के क्षेत्र में बल्कि समाज की जो जानकारी भिन्न भिन्न स्तर पर हुई है और उन समस्याओं का किस तरह से पुलिस में रह के समाधान करने का प्रयास किया जा सकता, समाधान किया जा सकता है, उस पे विशेष रूप से फोकस हमने किया और ये जीवन की सार्थकता। जी हृदेश जी, आज आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? ऐसे सच तो बहुत अधिक चुनौतियों को मैंने नहीं अपने जीवन में झेला, क्योंकि मैं पढ़ ही रहा था तभी मैं सेवा में मेरा सिलेक्शन हो गया और सब मेरे सारे सिलेक्शन, चारों सर्विस जो मैंने आपको बताया है, चारों सर्विसेज मेरी सेवा में रहते रहते ही, अध्ययन करने के तत्काल बाद मैं सेवा में चला गया, उसके बाद में मुझे निरंतर सर्विस एक के बाद एक मिलती रही। तो उस तरह की चुनौतियों जो सेवा प्राप्त करने के लिए होती है, उस तरह की चुनौती मेरे समक्ष नहीं आई। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझ पर मेरे पूर्वजों का, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। जी, हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है, आपका क्या सपना रहा? मेरा सपना ये रहा कि मैं यहाँ पे, मेरा थोड़ा सा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये पूरी सृष्टि जिसमें मनुष्य विशेष भूमिका में है, एक ही सत्ता की भिन्न भिन्न प्रतीतियाँ हैं, तो मेरे सामने जो आए उसको किस प्रकार से मैं संतुष्ट करूं कि वो सबके कल्याण के साथ उसका सामंजस्य बैठ सके,
तो ये सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी प्रेरणा का मेरे लिए स्रोत रहा है अपनी पुलिस सेवा। जी हृदय जी, हर एक इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों है? मेरे प्रेरणा स्रोत यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरे प्रेरणा स्रोत विश्वाई शिव है, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए जहर पिया था। आपको संभवतः याद होगा, हमारे पुराणिक प्रतीक हैं और हमारे देवता हैं भारत के, तो वो मेरे सबसे प्रारंभिक प्रेरणा स्रोत रहे। और जगत में तो हमारे तमाम स्वतंत्र संग्राम सेनानी और सामाजिक सुधारक हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। जी, आप पुलिस सेवा में हैं, तमाम घटनाओं से आप रूबरू होते हैं, कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों को बताएं जिससे जानकर सुनकर आपका मन व्याकुल हो गया हो, आप भावुक हो गए हों? हाँ, एक बार अभी बिल्कुल ताज़ा एक घटना है, बहुत पुरानी नहीं है, 2 वर्ष पहले ही की बात है। यहाँ लखनऊ में ही जब मैं ग्रामीण क्षेत्र का SP था तो मेरे 3 थाना क्षेत्रों में लगातार एक के बाद एक दिन के गैप पे 3 शव बरामद हुए जिनके सिर कटे थे। तो ये एक बहुत ही लोमहर्षक घटना थी और बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र लखनऊ का एक बहुत छोटा जिला था, संसाधन भी सीमित थे और अधिकारी भी उस हिसाब से उसी पृष्ठभूमि से थे, बाहर रहना उनका कार्य क्षेत्र भी उसी तरह से था, तो वो उसको कड़ी जोड़ना और उसका पता कर पाना बहुत मुश्किल था। पेपर में प्रकाशित हुआ, सब जगह चीज़ें हुई, हम लोगों ने सारे जो भी संभावित साधन थे सबका प्रयोग किया। उसमें प्रकृति कहिए, संयोग कहिए, भगवत कृपा कहिए, उसके हम लोगों को बहुत अच्छा एक लीड मिला। जो उसमें मुख्य अपराधी था उसने जम्मू कश्मीर जाके अपने माता पिता की गुमशुदगी लिखवाई और वहाँ पे बताया कि मेरे माता पिता यहाँ पर आए थे और वे गायब हो गए। उनकी तलाश में जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार प्रयासरत रही। वही नेट पर समाचार के रूप में उस व्यक्ति का फोटो आया जिसको उसने बताया कि ये गायब हुए हैं। उससे हम लोग क्योंकि नेट पर भी नज़र रखे थे तो उससे कहीं कनेक्ट हुआ कि ये तो हमारे मृतक का ही फोटो है जिसकी तलाश जम्मू कश्मीर में की जा रही है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की पुलिस से संपर्क किया, इसमें हमारे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी BKT, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ पर उन्होंने संपर्क किया और वहाँ से पूछा गया कि आखिर ये क्या प्रकरण है। तब उन्होंने बताया कि लखनऊ का एक व्यक्ति आया है और उसके द्वारा बताया गया कि उसके परिजन यहाँ पर घूमने के लिए आए थे जो इतने दिन से नहीं मिल रहे हैं। तो इस लीड के आधार पर हमने फिर उनके परिजन की तलाश यहाँ पे की और उसकी गिरफ्तारी करके सारी चीज़ें बरामद की। सारी घटना स्पष्ट रूप से प्रकाश में आई, जिससे जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी एक अन्य धर्म की लड़की से प्रेम प्रसंग था जिसमें परिजन उसको रोड़ा अटकाते थे, इसी कारण उसने उनकी माता पिता और अपने भाई की हत्या कर दी। जी हृदय जी, कभी कभी ऐसा होता है शहर में हिंदू मुस्लिम दोनों के त्यौहार एक ही दिन पड़ जाते हैं, इसको मैनेज करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है आप लोगों के लिए, किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, त्यौहार मनुष्यों के होते हैं और मनुष्यों के त्योहारों की एक बैकग्राउंड होती है, तो उस पृष्ठभूमि को यदि आप जान लेते हैं और सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं, सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, तो आपको बहुत अधिक सतर्कता तो बरतनी पड़ती है लेकिन बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ता। मैं अलीगढ़ जैसे चुनौतीपूर्ण जिले में 3 साल SP देहात के रूप में कार्य किया हूँ। मैंने जन्मभूमि पे, कृष्ण जन्मभूमि पे 4 साल SP सुरक्षा वहाँ पर व्यतीत किए हैं, तो इन सब चीज़ों से मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है और ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसमें हम लोग कभी असफल हुए हैं अपनी तैयारी और अपने सतर्कता के कारण। तो हृदय जी, अभी जो IAS IPS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हमको ये सोचना चाहिए, हमको अपने बच्चों को भी जो इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं उनको भी सबको सोचना चाहिए कि जो IAS का पद है वो IAS ही बैठता है, जो IPS का पद है उस पर IPS ही बैठता है, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि उनके सरोकार क्या है, वो वास्तव में करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल।
यदि वो समाज की अपने राष्ट्र की सेवा करने का मादा उनमें है, वो दृष्टि है, उस दृष्टि से सेवा में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा केवल मानसिक रूप से दक्ष होने में या एक समय विशेष पर हम अपने प्रतिभा को सिद्ध कर दे, उससे हमारे राष्ट्र की सेवा में कहीं ना कहीं जो चीज़ होनी चाहिए उसमें कहीं कमी रह जाती है। बिल्कुल। तो अपनी तैयारी जरूर करें, लेकिन साथ ही हमें अपनी संस्कृति से परिचित होना पड़ेगा। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जिनके लिए न केवल स्वतंत्र संग्राम हुआ बल्कि हमारे पूर्वज जिनके लिए अपने जीवन की आहुति दी, जिनको स्थापित करने के लिए जन्म जन्म तपस्या करते रहे पूरे जीवन भर, उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हमको इस सेवा में आना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। जी हृदय जी, अपनी लाइफ का कोई ऐसा बेहतरीन किस्सा प्राइम टीवी को आप बताना चाहेंगे जो आपको याद हो? ऐसे तो पुलिस के अनुसार बहुत सारे किस्से मुझे याद है, और एक और आपको टेक्निक का और इसका पुलिसिंग का जो संयुक्त जो सफलता मिलती है उसके संबंध में बताना चाहूँगा। ये बहुत पहले की बात है, जब लखनऊ ग्रामीण में हम एसपी देहात थे, सॉरी जब अलीगढ़ में मैं एसपी ग्रामीण था, तब की बात है, तब ये गूगल और ये सर्विलांस वगैरह शुरू हुआ था। तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था, अधिकतर काम मैं स्वयं देखता था उसका। एक छोटा बच्चा किडनैप कर लिया गया देहात क्षेत्र से किडनैप कर लिया गया। उस बच्चे से रिलेटेड जो उस जो गैंग किडनैप किया था उससे रिलेटेड एक व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन हम लोगों के सामने मुख्य चुनौती थी बच्चे की सकुशल बरामदगी, क्योंकि गैंग को तो हम ट्रेस आउट कर सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से छोटा बच्चा उसको सुरक्षित बरामद करना वो बड़ा मुश्किल था। हम लोगों ने उस लड़के से बात कराई, उसके गैंग मेंबर से जो हमने पकड़ा था, तो उसने फिर टाइमिंग इस तरह से सेट किया, वो भी उस पर संदेह कर रहे थे कि संभवतः ये पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसको किस तरह से हम लोगों ने इस तरह से बताया कि वो सहमत हुए कि अमुक स्थान पे हम लोग आएंगे। हम लोग उनके लोकेशन ट्रेस किए और उसके बाद में फिर गूगल मैपिंग के माध्यम से हम लोगों ने उनके संभावित रास्ते ट्रेस किए और उन्हीं सभी रास्तों पे हम लोगों ने पुलिस पार्टी लगाई। आप आश्चर्य कहें कि जिस रास्ते को हम लोगों ने कहा था कि इसी पे 80% संभावना है बच्चे को लेकर आने की, उसी रास्ते पे व्यक्ति आया और हम लोगों ने बच्चे को सुरक्षित रूप से छुड़ा लिया वहाँ से। 24 आवर में बच्चे को पाकर उसके परिजन कितने प्रसन्न हुए, उस प्रसन्नता को देखकर हम लोगों को लगा कि हाँ पुलिस में आना हम लोगों का सार्थक हुआ। प्राइम टीवी के माध्यम से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए संचार का साधन है और संचार के साधन इस समय बहुत उनकी उपयोगिता भी है और उनके माध्यम से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। मुख्य चीज यही है कि जो पॉजिटिविटी समाज में है उसमें किस तरह से उस सकारात्मकता में किस प्रकार से उसका विकास हो, उसका प्रसार हो, क्योंकि निगेटिविटी तो देखने को सभी जगह मिलेगी, हर एक वस्तु के दो पक्ष होते हैं। तो जो सकारात्मक है, यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारे समाज की सोच सकारात्मक होगी, हमारे समाज में जो कुछ जगह निराशा के पैच जाते हैं उनको दूर करने में हमें सहायता मिलेगी। हृदय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो शख्सियत में मुलाकात हुई आईपीएस अधिकारी हृदयेश कुमार से, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।